गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जैसे कि आपको पता है, मैं 7 बजे उठ गया था बिकॉज मैं अपना 1 मंथ चैलेंज कंटिन्यू कर रहा हूँ। दूसरा दिन है मम्मी और देखो कैसे अभी, बोल रहे हैं। अभी 2 दिन से, मतलब एक्चुअली बहुत दिनों से मैं सुबह सुबह वॉक पे जाता हूँ, तो आज भी मैं अभी वॉक पे गया था और अभी वॉक कंप्लीट किया। जबरदस्ती हंस रही गाय, पता नहीं इनको क्या हो गया। 2 दिन हुआ, 2 दिन वो भी डांट खा के मम्मी लेके गई है। तो अभी जस्ट मैं वॉक करके आया बोल और रहा, मैं बहुत दिन से जाता हूँ। और ये महारानी जी अभी सो के उठी हैं, आप देख सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता घूमने फिरने का। मैं 5 बजे से उठ जाता हूँ, फिर 6 बजे घूमने जाता हूँ, अभी आता हूँ 1 घंटा घूम के और तब आता हूँ, तब इनको उठाता हूँ, तभी उठती हैं गाइस। और उसके बाद अब हम चाय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले कुछ सुबह कुछ खाता पीता नहीं हूँ। तो आप लोग भी मेरी तरह डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं कि सुबह वॉक करके आइए। फॉलो किया ना तो 500 ग्राम भी कम नहीं होगा। सुबह वॉक करके आइए और उसके बाद अपना मस्त चाय नाश्ता कीजिए। नाश्ते में हम वही मूंग मटरी अपना खाते हैं और फिर हम अपना खाना। हम लोग खाने को बहुत हेल्दी खाते हैं, मगर इसके पहले जो भी इन्होंने मंत्र फूके सब गलत। मंत्र तो सही है। 2 दिन हुआ है वॉक पे, वो भी मम्मी डांट के लेके जाती है। गाइस, उसको पता नहीं लगता है, सो रही होती है। मैं मम्मी को उठाता हूं। 2 दिन तो मुझे पता ही है। 5 बजे मैं सबको उठाता हूं कि चलो घूमने चलना है। 6 बजे जाते, 6 या 7। तो पर मैं सबको उठाता हूं कि चलो घूमने चलना है। तो अब हम अपना चाय वाय का एंजॉयमेंट करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर झूठ बोलेगा। तो अभी हम लोग सुबह के नाश्ते में हमने सोचा है, वैसे 2 ऑप्शन थे, या तो आलू मटर फ्राई करके बना दो या तो फिर पराठा। तो इन जो बंदे डाइटिंग कर रहे हैं, इनको पराठा खाने का मन था। मेरा भी तुम्हारा मन था। तो अब हम लोग पराठा बना रहे हैं। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर। मटर और इसमें सिर्फ जीरा, हींग, मिर्ची, लहसुन और कांदा, वैसे आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें हल्का सा बस मसाले डालूंगी और उसके बाद इसको भून के पीस लेंगे ठंडा करके और पराठा बना लेंगे। ये देखो, और ये इन्होंने आटा गूंथा है ना, तो ये जितना भी है आटा गूंथने वाला वो सब देखो, वो सब पोछ पोछ के रख रहे हैं। आटा गूंथने के बाद उसको तुरंत क्लीन करना पड़ता है ना। तो ये हमारा मटर तैयार है। इसमें सिर्फ हमने हल्दी और जो नॉर्मल जीरा पाउडर मसाला तो वही डाला है। और गाइस, हमारे साथ बिफोर मैं बताऊं, हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई। ये बेचारी मटर पीस रही थी और लाइट चली गई। हाँ, इसलिए आधे तो इसलिए आप देख सकते हैं। तो जो पीस है अब मैं वही बनाना चालू कर रही हूं। आधा है और आधा मटर भी ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है, तो अभी ये पीस लेगी, जब लाइट आएगी तो पीस लेगी। पर हमारे आप ही भर के पराठे का तो बहुत पीसा जा चुका है, वैसे भी हम आधा उसमें वैसे भी 8-10 ही खाएगी। और मैं तो सिर्फ 2 ही खाऊंगा गाइस, यू नो, बिकॉज आई एम ऑन अ डाइट प्लान, इसलिए पराठा खा। तो बट अब हम खाते हैं। और ये देखिए, ये पापा ने जो नया तरीका सिखाया था उसको, ऐसे कटोरी बनाने का पापा ने सिखाया। कटोरी बनाते हैं फिर इसी में मटर भरते हैं। इससे फायदा बस ये होता है कि इससे आलू बाहर नहीं निकलता, आलू या मटर जो भी भर रहे हो आप वो बाहर नहीं निकलता है, तो बहुत शानदार हो जाता है। और हमारा बहुत दिन बाद एक्चुअली हमको सुबह वैसा नाश्ता कर रहे हैं, वरना तो मेरे ख्याल से 90% टाइम पिछले 1 महीने में मुझे याद होगा तो हमने खाली मखाना या मूंग मटरी या एक दो बार ब्रेड बस हमारा, और सूप बस हमारा यही नाश्ता रहा। तो आज लकीली ना हमने मखाना खाया है ना कुछ, आज हमने बस चाय पी थी, चाय के साथ हमने ब्रेड व्रेड खाया था और अब हम आज खाएंगे मटर के पराठे। तो बेसिकली आप देख सकते हो कोला तैयार है और अब इसको बेलने की तैयारी हो रही है और ये बेल लेगी फिर हम सेकेंगे। और हमारी लाइट भी आ चुकी है, तो अब अगर हमें पीसना होगा तो हम पीस भी लेंगे। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है इनको गोल रोटी बेलनी आती है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं एकदम गोल पराठा तैयार है। तो अब मैं पराठा सेकता हूँ और फिर आप जब हमारे पराठे हो जाएंगे तो आपको हम सीधे अपना पराठा दिखाते हैं। बन गए सारे के सारे और यहाँ पे पापा ने एकदम टेबल सजा लिया है
ये देखो दही, सलाद भी काट दिया। अच्छा, सॉस वगैरह लेके पानी वानी सब रेडी है, बस हमको फटाफट खाना है। और ये मटर अभी भी बाकी है, बहुत ज्यादा लाए थे मटर। कितना लाए थे पापा? 3 किलो। तो अब हम लोग नाश्ता करने बैठेंगे। देखो ये हरी चटनी जो होती है ना, कोतमीर मिर्ची लहसुन की, वो भी हमने बना के रखी थी। अब यही डालेंगे दही के साथ। देखो अब हमारे पापा ले कर रहे हैं टेस्ट, सर्व कर रहे हैं, फिर टेस्ट करेंगे। लो पापा शुरू करो। चलो शुरू करो। अब कैसा है पराठा? मस्त है। देखो पापा ले रहे गर्मा गर्म पराठा, अति उत्तम मस्त है। और शक्कर नहीं डाले दही में आप? गुड़। अच्छा गुड़ डाले। एक्चुअली हमारे पास ना भुर्रा भी है, वो गुड़ का पाउडर होता है, हम वही डाल रहे हैं दही में आजकल। इसमें होगा तुम्हें चाहिए? नहीं अभी तो नहीं। तब चलो हम अपना नाश्ता शुरू करते हैं। देखो अब नाश्ता होने के बाद अब हम सब लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, पर मुझे ये बोरिंग ही लग रही है। इनको अच्छी लग रही है, मेरे को तो पक रहा है। ये अपना मूवमेंट जी रहे उस टाइम वाला। और मम्मी गई है पूजा में, और आज हमारी पार्टी है। बोल। और आज हमारी पार्टी गाइस, आज हम पार्टी में जाएंगे, रात में खाना खाएंगे, इसीलिए आज मैं डाइटिंग। ये तीनों मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को कंटाला आ रहा है। और मम्मी गई है उधरी पूजा में, और वो दोपहर का खाना भी उधर से खा के आएंगे, पूजा का जो भी प्रसाद वगैरह रहे। और हमने खा लिया पराठा, और अब हम मारेंगे चूल। देखो बारिश आ गई, जैसे कि आपको दिखाया कि आज बाहर बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है तो देखो फरमाइश पे फटाफट चाय बन गया, क्योंकि बारिश में सबको चाय तो चाहिए ही। तो अब ये ना चाय मैं आराम से बालकनी में जाके पीऊँगी, मैं आपको वहाँ से दिखाऊँगी। अभी इतना काला पूरा डार्क हो गया, और इतना सही है ना ठंडा मौसम, और मस्त वहाँ पे चाय, अदरक और इलायची के चाय पीने का अलग ही मज़ा है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, मम्मी और पापा और ये सब वहाँ बैठे हैं आराम से। और अब हम अपनी चाय लेके चलते हैं। देखो हम लोग नारियल पानी पिए थे, और अभी पापन खोबरा निकालेंगे उसमें से, कोयता से काट रहे। सब लोग सोचेंगे क्या है इतना क्यों आवाज आ रहा है इनके घर से। ये हट जाओ मम्मी, लग जाएगा आपको। ये देखो फट गया, मिठला के नाते। ये देखो देखो कैसा है मीठा आज खड़ा हो गया। हाँ ये देखो एकदम कड़क निकला है, पानी पी लिया था हम लोग ने। अब इसको निकालेंगे हम लोग, अब इसको चम्मच से और कटोरे से निकालेंगे। तो मेहनत से ये पूरा खोबरा हम लोग निकाल, ये एक्चुअली ना बहुत जाड़ा वाला है, पतला वाला ना बहुत आराम से निकल जाता है, पर ये ना एकदम टाइट हो गया है, तो इसके वजह से इसको थोड़ा मेहनत से निकालना पड़ रहा है। पानी एक गिलास था, वरना वैसे 2 गिलास निकलता है ना इसका। नारियल सख्त हो गया था, और पानी भी बहुत मीठा था। कोयता अब यही रख दो, जितने बार नारियल पियेंगे उतने बार फाड़ देंगे। क्या बात है? देखो हमारा खोबरा पूरा निकल गया। ले खोबड़ी, टेस्टी टेस्टी यमी यमी। हम लोग शाम के नाश्ते के लिए ब्रेड गरम कर रहे हैं, और पापा को 3 बार पूछा गरम ब्रेड या ठंडा, जिसका आंसर अभी तक परफेक्ट नहीं दिया उन्होंने। हमें पार्टी में जाना है, ये पार्टी में नहीं जाएगी, हम जाएंगे। तो अब ये देख सकते हैं के लिए पापा एकदम गिफ्ट को रैप कर रहे हैं, रैपिंग वैपिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस नाम का स्टिकर लगा रहे हैं। इसलिए इसका थोड़ा फूला हुआ है, क्योंकि हम इसे पार्टी में नहीं ले जा रहे हैं, बिकॉज इसको पार्टी में जाने में कंटाला आता है, ये कंटाला कुमारी है। तो पर कोई बात नहीं, पापा क्या बोले फाइनल, गर्म नहीं दे दो। तो हम जाएंगे, अभी हम तैयार होंगे, आज ये मेरा मेकअप वेकअप करेगी अच्छे से, फिर मैं तैयार होकर आज पार्टी में जाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा पार्टी लुक भी अपना। और आज एकदम बनठन के जाने वाले हैं, और फिर हम दिखाएंगे आपको वहां पे भी क्या होता है। वैसे तो वहां ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि दूसरे की शादी है, सिर्फ खा के आ जाएंगे हम तो, बस खाना खाने जाएंगे। और
फिर आएंगे और देखेंगे, अगर इसके लिए इसको भी कुछ अच्छा लगेगा तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे, वरना अपना घर पे बना के हम वैसे तो खिला के ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और इतना क्लेरिफिकेशन पर हाँ, तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मेरा स्नैक्स, इधर सब गप्पे मार रहा है, इधर मैं नाश्ता कर रहा हूँ। हकारात्मक होना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, अगर मैं हकारात्मक बोलती हूँ तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम, अगर मैं नकारात्मक बोलती हूँ तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अरे मैं सोचो हकारात्मक कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर हकारात्मक हकारात्मक सबसे बाहरी था। सब लोग का मेकअप हो गया और सब बाहर जाने के लिए रेडी हो गए हैं। मम्मी चश्मा ढूंढ रही है, पापा हमारे अजय देवगन मस्त कोट बीट पहन के और ये मम्मी देखो एकदम सब एकदम हेमा मालिनी, और ये अपना छोटू लाल अब ये लोग जा रहे हैं। जाओ जाओ दबा के खा के आओ। और गिफ्ट लिया? गिफ्ट लिया? गिफ्ट गिफ्ट अब तो साथ ही में जा रहे हो ना, ले ये लोग गिफ्ट लिए भी नहीं जा रहे थे। वो देखो ना सामने चुली। रात में मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ ना, फर्स्ट टाइम रही हूँ, तो मम्मी ने पहले ऐसे प्लान किया था कि मम्मी बाद में जाएंगे जब पापा और ये नज़दीक में ही है रिसेप्शन आ जाएंगे तब मम्मी जाएगी, तो लेकिन बारिश बहुत हो रही है तो कार लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि चलो हम तीनों जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए वो मम्मी पापा थोड़े वरीड और बोल रहे हैं डोर भी लॉक कर लेना। तो अभी सब निकल रहे हैं और एक्चुअली सब जाने वाले हैं, हमारे जो नीचे पेन गेस्ट है ना वो भी जाएंगे क्योंकि एरिया की शादी है। तो अभी तो ये लोग गए हैं और इनको आने में एक घंटे तो लग ही जाएंगे। हे गाइस, तो हम लोग अभी पार्टी में पहुंच गए हैं, मैं पापा और मम्मी। बबीता तो आई नहीं, अभी थोड़ा बाहर आ गया तो क्योंकि अंदर म्यूजिक बज रहा है तो अंदर तो वो शूट हो भी नहीं पाएगा, लेकिन हाँ मैं अभी अंदर जाऊँगा तो आपको एक बार ज़रूर दिखाऊँगा कि कैसा है क्या है। पर ओवरऑल बहुत अच्छा था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी डेकोरेशन प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे बारिश हो गई थी, तो आपको मैं अभी हल्का सा दिखाता हूँ। बहुत अच्छा सजाया था बाहर, क्योंकि बारिश हो गई तो उस वजह से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, तो अभी सब कुछ सेटअप अंदर बनाया हुआ है। hey guys, तो मेरा खाना वाना हो गया है और जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले बारिश हुई थी तो शायद थोड़ा सा वो मतलब माहौल ख़राब हो गया था, लेकिन अभी भगवान की कृपा है कि बारिश रुक गई, तो आपको थोड़ा सा फिर से व्यू दिखाता हूँ। वो स्टेज पे दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं, मेरा खाना हो गया, मम्मी पापा भी खाएंगे, फिर वो स्टेज पे जाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि सिंस मेरा खाना हो ही चुका है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, और फिर जब मम्मी पापा को आना होगा तो मैं लेने आ जाऊँगा, या वो लोग पैदल आ जाएंगे, ज़्यादा दूर है नहीं, हार्डली यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। और पूरी बहुत अच्छी सजावट हुई है, हाँ खाने वाने का था क्योंकि बारिश हो गई थी, तो पहले खाने का बाहर था सिर्फ अंदर कर दिया गया, तो बस अब यही है, बाकी लोग भी अपना खा पी रहे हैं और मैं फिर यहाँ से अब निकलता हूँ और आपको सीधे घर पे बबीता से मिलता हूँ। मम्मी पापा आ गए और मम्मी देखो कितनी सही लग रही है, जाते टाइम और अच्छी लग रही थी लेकिन तभी मैंने वीडियो नहीं ढंग से निकाली, अभी थोड़ा मेकअप डल हो गया है। और पापा मम्मी ऐसे गए थे और ये तो अपना अवतार ही बदल दिए। तो अब हम लोग आ गए हैं और अब खाना खा के सोएंगे।